सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। जिंदगी आसान तब होती है जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज्यादा होगा। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें, ना रिश्ते, ना दुख और ना ही जिंदगी। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। आज का पंचांग 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, सुबह 5:51 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 1:22 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:01 से 9:24 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 1:22 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार, आप किसी बड़ी खरीद पर विचार कर सकती हैं, जैसे कोई गहना या कोई अन्य कीमती सामान। निर्णय लेते समय सावधानी बरतें, अपने निजी वित्त को संतुलित करने की कोशिश करें। एक रिश्ता अब किसी दूसरे लेवल पर जा सकता है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज आपका धन व्याकुल रहेगा जिसके कारण काम में ध्यान केंद्रित करने में समस्या आ सकती है। भावुक होने के कारण प्रियजनों के प्रति अधिक रक्षात्मक रहेंगे। छोटी सी यात्रा भी कर सकते हैं। मनुष्य का हर एक दिन भगवान का उपहार है। हर दिन एक नया अवसर है जीवन में कुछ नया या अच्छा करने के लिए। आज कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर घर के सदस्यों के साथ भी बांटें। इससे आप स्वयं के लिए भी समय व्यतीत कर पाएंगे और सुकून भी मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में उचित ध्यान देने की वजह से टीचर्स की सहायता मिलेगी। जिन बातों में आप फंसे हुए हैं उन्हें सुधारने के लिए नया रास्ता प्राप्त होगा। आपके कारण करीबी लोगों की दुविधा बढ़ सकती है। परिणाम की चिंता करने से दिक्कतें बढ़ सकती है। जिन बातों के कारण आपका विश्वास टूट जाता है ऐसी बातों का सामना करना सीखें। विवाद निर्माण होने से काम पर फोकस करना कठिन रहेगा। पार्टनर के साथ विवाद बढ़ सकते हैं, धैर्य से काम लें। लो बीपी की समस्या भी हो सकती है। सावधानियां, कोई भी खास निर्णय लेने से पहले उसके संदर्भ में उचित सोच विचार अवश्य कर लें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में मायूस होने की बजाय समाधान ढूंढना समस्या का हल है। यह भी ध्यान रखें कि ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंध रोमांटिक और खुशनुमा रहेंगे। अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। आपके विचार सबसे अलग हैं, लेकिन आपकी बातें लोगों को हट कर सकती है। बात करना व अपने जीवन साथी को समझना आपके जीवन में बाहर ले आएगा। पहले से प्लान कोई यात्रा रद्द हो सकती है, ऐसे में पार्क की सैर भी आप दोनों को आनंदित कर सकती है। आज सोच समझकर ही कुछ बोलें, क्योंकि आपकी बातें दुष्टों को ठेस पहुंचा सकती है। आप अपने बहन भाइयों, बच्चों और प्रियजनों के प्रति स्वयं को बेहद भावुक महसूस करेंगे। आपके मन में अपने साथी के लिए भी एकदम बहुत सा प्यार उमड़ेगा। कुछ अंतरंग पल आपके रिश्ते को फ्रेश व जीवंत कर देंगे। बात करते हैं करियर की। धन संबंधित मामलों या निवेश के लिए पिता या काउंसलर की राय लें ताकि भविष्य में किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। आपकी कड़ी मेहनत और योगदान के लिए सराहना प्राप्त होगी। अपने कीमती सामान या पैसों की हिफाजत करें, क्योंकि आज धन की हानि होने की संभावना है। कुछ सुनहरे अवसर आज आपके दरवाजे पर हैं, जिनसे आप लाभ और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। आज महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए नई दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आपको कोई नहीं रोक सकता,
इसीलिए दृढ़ता से आगे बढ़ी, क्योंकि आपके कदम आपको प्रतिष्ठित स्थिति में ले जा रही हैं। आप अभी भी आप सभी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बात करती है सेहत की। अत्यधिक तनाव और थकान की वजह से सिर दर्द, सर्वाइकल की समस्या बढ़ सकती है। आराम और सुकून भी लेना जरूरी है। लो बीपी की समस्या भी हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप जरूरतमंदों को दूध और केले का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।